देखिए स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। तीसरे चरण का मतदान जारी है। बिहार में 5 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। मधेपुरा, झंझारपुर, सुपौल, खगड़िया और अररिया, इन 5 सीटों के लिए बिहार में आज वोटिंग हो रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जनता से अपील करते नजर आए कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। साथ ही साथ लालू यादव को निशाने पर लिया। जंगल राज के मुद्दे पर एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने लालू यादव को घेरा। कहते नजर आए कि आज भी लालू यादव के नाम से लोग डरते हैं, यही है जंगल राज। आपको बता दें, लालू यादव जमकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे, कह रहे हैं कि ये लोग जंगल राज की बात करके जनता को डराने का काम करते हैं। तो इस बात का जवाब देते नजर आए सम्राट चौधरी। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। करूंगा सभी मतदाता भाइयों से कि मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, लोकतंत्र स्थापित करें और जो काम करें आपके लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार आपके कमिटमेंट्स और गारंटी के साथ काम पूरा किए हैं, उसके लिए जरूर आग्रह करूंगा कि एक एक मतदान करके देश को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास। लालू जी ने कहा है कि अभी कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए ना, अगर प्रधानमंत्री रिजर्वेशन के हिमायती हैं तो मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। देखिए स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। अच्छा, अच्छा, जंगल राज की बात करके बिहार के लोगों को डरा रहे हैं अमित शाह यहाँ के। नहीं, ये तो आतंक वो स्वयं जानते हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बिहार के लोग सबसे ज्यादा त्रस्त रहे। बिहार का डेवलपमेंट खत्म हो गया, बिहार में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। आज भी लालू जी के नाम से लोग डरते हैं, यही है बिहार में परमानेंट। विपक्ष लगातार आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर भाजपा की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो ये लोग आरक्षण को खत्म कर देंगे। लालू यादव ने भी कहा कि अगर इनकी सरकार आई तो मुसलमानों से उनका आरक्षण छीन लिया जाएगा। इस बात का जवाब देते नजर आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। साफ कहा कि किसी से आरक्षण नहीं छीना जाएगा। गृह मंत्री का सिर्फ इतना कहना है कि जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनका आरक्षण छीन कर किसी को नहीं देना चाहिए। जो भी देश में गरीब है उन सभी लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। और लालू यादव ने आरक्षण में मुसलमानों को अलग से आरक्षण देकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है। साथ ही जंगल राज के मुद्दे को लेकर सम्राट चौधरी लालू यादव को एक बार फिर से घेरते नजर आए। कहने लगे कि लालू यादव के नाम से लोग आज भी डरते हैं, इसीलिए इसे जंगल राज कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि आज 2024 के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। बिहार में 5 सीट, खगड़िया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और अररिया, इन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और अपना मताधिकार का प्रयोग करने का जो अपील है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आम जनता से करते नजर आए। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।